नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्वाद हमेशा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आलू के पकौड़े अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि हम इसको हरी चटनी के साथ बनाएंगे, जिसमें से आपको चटनी का उपयोग अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी में मैंने 10 से 12 हरी मिर्च ली है और ये हरी मिर्च बहुत तीखी है। और आप देख सकते हैं, मैंने एक मुट्ठा हरा धनिया लिया है और धनिया को अच्छे से धो लिया है और धनिया का डंठल भी मैंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि ये मिक्सी में अच्छे से पिस जाएगा। अब हम इसमें छोटे चम्मच में एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच सूखा धनिया है, एक इंच इतना अदरक का टुकड़ा है, स्वाद अनुसार नमक। अब हम मिक्सी का ढक्कन बंद करके चटनी पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने हरी चटनी बना के तैयार कर लिया है और हमको इतना ही गाढ़ा हरी चटनी चाहिए। मैंने इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि धनिया का पानी और जो हरा मिर्ची था उसी को पीसा है। उसको साइड में रखते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने दो आलू लिया है, जिसको मैंने छील के धो लिया है। अब हम इसको इस तरह से, ना हम ज़्यादा पतला काटेंगे ना ज़्यादा मोटा काटेंगे, इस साइज का हम काट लेंगे। देखिए, मैंने इसको ज़्यादा पतला भी नहीं काटा है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो देखिए, हमने आलू को इस तरह से काट के एक प्लेट में रख लिया है। अब हमने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने आधा बाउल पानी रखा है। अब उसमें एक चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब हमें कटे हुए आलू को डाल देंगे और हम इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे, तब तक के हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम बेसन डालेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितने आलू वाले पकौड़े बनाने हैं। तो मैंने इसमें 1 कटोरी के लगभग बेसन लिया है और वजन में जैसे कि मैं बताऊँ तो ये आधा पाव बेसन है। अब इसमें मैं कुछ सूखे मसाले डालूंगी। तो एक चम्मच मैं धनिया पाउडर डालूंगी, 6 कलर के लिए मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, चटपटा स्वाद के लिए हम आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब ये सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने घोल तैयार कर लिया है और घोल हमने ज़्यादा पतला नहीं रखा है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, हमको इसी लेवल में घोल चाहिए। देखिए, हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हम एक चम्मच सोडा डाल देंगे और चम्मच बहुत ही छोटा है। देखिए, मैंने इस छोटे से चम्मच में चुटकी में 2 चुटकी सोडा आएगा। सोडा डाल के भी हम अच्छे से इसको मिला देते हैं। बैटर बना के हम इसको रखेंगे नहीं, हम तुरंत ही बनाना तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमने आलू को 10 मिनट के लिए नमक वाले पानी में छोड़ दिया था। और हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और कपड़े के ऊपर हम आलू को डाल देंगे। एक कपड़े की मदद से हम आलू का जितना भी पानी रहेगा, हम पानी को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो देखिए, हमने आलू का अच्छी तरह से पानी सुखा के एक प्लेट में रख लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम सबसे मेन काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक आलू का टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर हम एक थोड़ा सा हरी चटनी लगाएंगे। ये मैंने आलू के ऊपर हरी चटनी अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक आलू और रख देंगे। मैं एक और बता रही हूँ और इसी तरह से हम बाकी की सभी आलू को हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी आलू में हरी चटनी लगा के इस तरह से तैयार कर लिया है। घोल हमारा तैयार है। अब हम इस तरह से आलू के एक एक पकौड़े लेंगे और इसको बेसन में घोल में डालेंगे। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चल देखिए, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल हमको इसमें कम ही गर्म चाहिए। इसमें
एक एक आलू के पकौड़े डाल देंगे। जो आलू हमने बेसन में डीप करके रखा है, इस बार में जितने पकौड़े आएंगे हम उतने पकौड़े डाल देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से एक बार में दूर दूर करके डाल दिया है। अभी हम इसमें झारा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने अभी कम ही करके रखा है। जब तक कि ऊपर का बबल्स हट नहीं जाएगा तब तक के हम झारा नहीं चलाएंगे। कम से कम हम इसमें 5 मिनट चम्मच का यूज नहीं करेंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो गया हमको, धीमी आंच में हमने इसको एक तरफ से पकाया है और बबल्स भी अभी कम हो चुका है। तो हम एक चम्मच से इस तरह से पलट देंगे और आंच हम कम ही रखेंगे। अब हम इस तरफ से भी इसको धीमी आंच में 5 से 6 मिनट पकने देंगे। देखिए अच्छे से सिक चुका है। अब इस तरह से हम इसको थोड़ी देर झारा में लेंगे और झारा को हम कढ़ाई के ऊपर ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल उसी में रह जाए। हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे ताकि के भी हम बाकी के भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने हरी चटनी और आलू वाले पकोड़े बना के तैयार किए हैं। तो मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ, आप चाहें तो बीच से तोड़ भी सकते हैं। तो देखिए हरी चटनी और आलू वाले पकोड़े कितने अच्छे से हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से बना के आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे हरी चटनी और आलू के पकोड़े बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार अपने घर में इस तरह से पकोड़े बना के ज़रूर खाइएगा, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।